दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लंका के स्पिन गेंदबाज खास तौर पर बेला लेग ने भारत के बड़े बड़े बल्लेबाज रोहित कोहली से लेकर पांड्या जडेजा को दिन में तारे दिखा दिए और पूरी भारतीय टीम की धज्जियां उड़ा दी। जहां टीम इंडिया की खराब बल्लेबाजी देखकर तो महेंद्र सिंह धोनी का भी गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों पर उंगली उठाते हुए जो बयान जारी किया उसने 140 करोड़ भारतीयों की चिंता को और बढ़ा दिया। तो आखिर क्यों धोनी ने अब खड़े कर दिए वर्ल्ड कप पर सवाल, उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी, रोहित और विराट में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पाकिस्तान को कुचलने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस तो सातवें आसमान पर था, और हो भी क्यों ना, हमने उन्हें 228 रनों से कुचल दिया था, जिसके बाद हमें डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका से लोहा लेना था। सभी को लगा था कि इंडिया आसानी से लंका को भी हरा देगी, लेकिन किसने सोचा था कि स्पिन पिच पर लंकाई स्पिन गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजी क्रम का हाल इस कदर बेहाल कर देंगे। टॉस जीतकर रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर कप्तान ने मोर्चा संभालते हुए अर्धशतक जरूर ठोका, लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कुछ कर पाने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुआ। गेंद लेकर आए बेला लेग ने जहां शुभमन गिल का शिकार कर अपना खाता खोला, तो फिर उसके बाद रुकने का ही उन्होंने नाम नहीं लिया। उनका अगला शिकार बने किंग कोहली, जो केवल 3 रन बना पाए, तो फिर तेजी से अपने शतक की तरफ टीम बढ़ रही टीम इंडिया की दीवार रोहित को भी बेला लेग ने चलता किया, जिस पर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। जहां पूरे हिंदुस्तान में मातम का माहौल था, तो कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद तो भारत का बल्लेबाजी क्रम जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जहां बेला लेग ने राहुल और हार्दिक पांड्या को चलता कर अपना खाता खोला, तो फिर असलंका ने ईशान किशन और रविंद्र जडेजा को पवेलियन की राह दिखाकर टीम इंडिया की कमर ही तोड़ दी। हालात ये हो गई थी कि यहां जहां 80 रन पर टीम इंडिया ने केवल एक बल्लेबाज को खोया था, वहीं केवल 106 रनों के भीतर ही भारत के 9 बल्लेबाज लंका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुके थे। ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं था जिसने लंकाई गेंदबाजों की फिरकी का तोड़ निकाला हो। सितारों से सजे भारत के बल्लेबाजी क्रम का इतना बुरा हाल देखकर तो भारतीय फैंस हताश और परेशान है। उसने भारतीय फैंस की चिंता को और भी अधिक बढ़ा दिया, क्योंकि अब वर्ल्ड कप तो भारत में होने वाला है, जहां इससे भी अधिक स्पिन देखने को मिलती है। ऐसे में यदि टीम इंडिया इसी तरह खेलती रही तो हम कैसे वर्ल्ड कप जीतने का सपना सजा सकते हैं। इसी मुद्दे पर अब महेंद्र सिंह धोनी का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया, जो अब भारतीय बल्लेबाजों पर टूट पड़े। जी हां, धोनी भी टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन देखकर बेहद निराश नजर आए और फिर गुस्से में लाल पीले होते हुए उन्होंने कह दिया कि मैंने अपनी टीम से ये उम्मीद नहीं की थी। यदि ये ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड का हाल हुआ होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन हमें तो बचपन से स्पिन खेलने की आदत है और कोई 20 साल का खिलाड़ी आकर हमारे बड़े बड़े बल्लेबाजों का ये हाल करता है, ये अच्छे संकेत नहीं है। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब भारतीय बल्लेबाज मैदान पर बैटिंग कर रहे थे तब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कॉन्फिडेंट हैं, वो डरे सहमे से नजर आ रहे थे, ऐसा लगा कि उन्हें गेंद दिखाई ही नहीं दे रही है। यदि इसी तरीके का हाल रहा तो हम वर्ल्ड कप तो क्या एशिया कप भी नहीं जीत पाएंगे। यदि हमें विश्व विजेता बनना है तो हमें स्पिन के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी और भारतीय बल्लेबाजों को इसका तोड़ निकालना पड़ेगा, नहीं तो टीम इंडिया के लिए ये रहा है इतना भी आसान नहीं है। दोस्तों, धोनी ने अपने बयान से जहां एक तरफ भारतीय बल्लेबाजों को जमकर फटकार लगाई है, तो वहीं फैंस की चिंता को भी कई गुना बढ़ा दिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया लंका को हराकर एशिया कप की चैंपियन बन पाएगी या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।